इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का समापन काफी सुस्त अंदाज में हुआ। दरअसल फाइनल में टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद महज 113 रन पर सिमट गई। 114 का टारगेट चेस करने उतरी केकेआर बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर इस सीजन की चैंपियन बन गई। इससे पहले केकेआर ने साल 2014 में आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। 10 साल बाद एक बार फिर कोलकाता के चैंपियन बनने के पीछे एक नहीं कई वजह हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 हीरो के बारे में जिन्होंने केकेआर को एक बार फिर आईपीएल का बादशाह बना दिया। गौतम गंभीर के मेंटरशिप पद संभालने के बाद ही पहले मैच में सुनील नरेन को सलामी बल्लेबाज का स्थान सौंप दिया गया। इसके बाद तो सुनील नरेन के बल्ले ने जमकर आग उगली। उन्होंने गंभीर के भरोसे को सही साबित किया और इस सीजन केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इस सीजन उन्होंने 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 488 रन बनाए। बैटिंग के अलावा नरेन ने गेंदबाजी में भी दम दिखाया और उन्होंने इतने ही मैचों में 17 विकेट भी हासिल किए। चोट के चलते पिछला सीजन मिस करने वाले श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान शानदार वापसी की। इस सीजन कई दिग्गजों ने उनकी कप्तानी की तारीफ की। गेंदबाजी बदलने से लेकर उनकी फील्ड प्लेसमेंट तक सब सही बैठी, जिसके चलते उन्होंने लीग मैच समेत फाइनल में भी शानदार जीत हासिल की। बेहतरीन कप्तानी के साथ साथ अय्यर ने 15 मैच की 14 पारियों में 351 रन भी बनाए। जेसन राय के आईपीएल 2024 से नाम वापस लेने के बाद केकेआर मैनेजमेंट ने आईपीएल 2024 के लिए इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट पर दाव लगाया और खास बात यह रही कि उनका ये दाव सही भी बैठा। टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर फिल सॉल्ट पूरी तरह से खरे उतरे। केकेआर को खिताब जिताने में सॉल्ट का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस सीजन 12 मैचों में 4 अर्धशतक के साथ उन्होंने 435 रन बनाए। आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने मिचेल स्टार को 24 करोड़ में खरीदा था, लेकिन शुरुआती मैचों में उनका प्रदर्शन काफी खराब रहा। खराब फॉर्म के बावजूद टीम मैनेजमेंट ने अपने इस दिग्गज खिलाड़ी पर भरोसा जताया और लगातार मौके दिए। इसी का नतीजा रहा कि शुरुआत में आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले मिचेल स्टार्क ने क्वालिफायर 1 और फाइनल में बेहतरीन बॉलर बनकर अच्छी गेंदबाजी की और टीम की गेंदबाजी डिपार्टमेंट को फ्रंट से लीड किया। केकेआर ने इससे पहले 2 फाइनल खिताब 2012 और 2014 में जीते थे। उस दौरान केकेआर की कप्तानी गौतम गंभीर संभाल रहे थे, हालांकि बाद में वो केकेआर छोड़ दिल्ली टीम के लिए खेलने लगे। गंभीर ने काफी सालों बाद कोलकाता के ड्रेसिंग रूम में वापसी की। उन्हें टीम का मेंटर बनाया गया और पहले सीजन में उन्होंने केकेआर को चैंपियन बना दिया। गौतम ने इस सीजन कई ऐसे कड़े फैसले लिए जिसका नतीजा आप सबके सामने है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।